आप जवाब दे दीजिए मोहम्मद आसिफ जी, आपके मुद्दे घनेन्द्र जी की तो शिकायत है, इतने सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे जनता के सामने आप लोग पहुंचा ही नहीं पाए इन तीनों राज्य में। जो राहुल गांधी जी ने कहा मोहब्बत की बात, वही आज मोदी जी ने कही मोहब्बत की बात होनी चाहिए, लेकिन नफरत की बात जो इनके सांसद करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के, उन्हें प्रमोशन दे दी राजस्थान के लिए। अनुराग ठाकुर जी क्या बोल रहे थे आज, मंत्री की प्रमोशन। परवेश वर्मा जी ने क्या कहा, वो प्रमोशन। कपिल मिश्रा जी ने क्या कहा, वो प्रमोशन। नफरत के जहर उगलने वाले इनके भाजपा के सांसद मंत्री बना दिए जाते हैं। आज प्रधानमंत्री कहते हैं मोहब्बत की बात कीजिए, बेहतर होगा अपने साथियों को, अपने पार्टी के लोगों को ये समझाए कि देश मोहब्बत से चलती है, हिंदुस्तानी लोग मोहब्बत के मोहताज है, ना कि नफरत के। दुकान छोड़िए, रही दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने कहा नरेंद्र तोमर के बेटे के ऊपर जनता ने मैंडेट दे दिया, उनका भ्रष्टाचार खत्म हो गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, उन्होंने ये कहा कि गुजरात की महिलाओं के साथ जो कोर्ट जो फैसला आया, ये बलात्कारी नहीं, संस्कारी लोग हैं भाजपा के एमएलए ने, ये संस्कार भाजपा के पास होंगे, हिंदुस्तान की जनता के संस्कार नहीं है, ना किसी सनातन के संस्कार है, ये भाजपा के संस्कार है। नरेंद्र सिंह तोमर का मुद्दा आप दोनों ने उठाया, मैं जवाब ले लेती हूँ, लेकिन एक सवाल का जवाब मोहम्मद आसिफ जी आप भी दे दीजिए। ये कौन सी मोहब्बत है कि देश के प्रधानमंत्री के लिए जब जब आप बोलते हैं सारी मर्यादा तोड़ देते हैं? कैसा कैंपेन किया आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, और क्या परिणाम मिला आपको? देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है दूसरों के बारे अल्पसलाप बोलना, वो किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। एक एक चीज बताइए, देश के प्रधानमंत्री क्या बोला गया? करते हैं उनको एक बताइए, नहीं क्या बोला गया? पीएम को क्या बोला गया? नहीं क्या कहा उन्होंने? देश के पीएम, ऐसा कौन सा आप शब्द आपको लग रहा है? मैं आप बताइए कौन सा आप शब्द लग रहा है आपको? देश के प्रधानमंत्री के बारे में कांग्रेस की लीडर ने कहा, क्या भारतीय जनता पार्टी को फॉलो करके राजनीति करते हैं? आप ये बताइए ना कि देश के प्रधानमंत्री ने कौन सा अल्फाज बोला, पीएम कैसे जैसे बयान देंगे वैसे ही स्क्रिप्ट आपके बयानों की लिखी जाएगी, तो सीधा कहिए, खुलकर कहिए, इसमें कौन सा डर की बात है? डर किसको? डर किसी को नहीं फॉलो करते, डर किसी को नहीं फॉलो कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी आपके दोनों भी बोल सकते हैं। एक बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे का, तो पूरा ऑडियो सामने आ गया, क्या ईडी सीबीआई वहां पहुंचेगी? देखिए पूरे चुनाव में लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे ने भ्रष्टाचार किया है। सच बात यह है कि यह डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस का है, जिसने जानबूझ करके एक फेक वीडियो जारी किया था, तार तार खुल गए उसके वीडियो के, उसी वीडियो के तार खुल गए जिसका वीडियो सीबीआई बनाया था, उसने वीडियो ने सही से तय बयान कर दी, और जनता ने जैसे प्रमोशन तो अधिकारियों को मिलता है, और यही कारण है सामने 24,000 मतों से नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव जीत कर गया। देखिए ये भ्रष्टाचारी लोग जब पकड़े जाते हैं जेल चले जाते हैं, एक लंबी लाइन है, चिल्लाना मत, मुख्यमंत्री भाजपा के अंदर, एक मुख्यमंत्री असम के भाजपा के अंदर, ईडी नहीं जाती, क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? देखिए सच ये, अगर ईडी अपने डरिए नहीं, डरिए नहीं, ईडी से डरिए नहीं, ईडी अनावश्यक पैसा नहीं करेगी। डरने वाले आप चोरी करोगे, आप चोरी करोगे, आप भ्रष्टाचार करोगे, आप पैसा खाओगे, आप घोटाला करोगे, परिवार के लिए बटोरोगे, तोमर जी की गोलियां भरोगे, तोमर जी क्या हो रहा है? जेल जाओगे ही जाओगे भाई, बेटे जेल जाओगे, आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा भाई। राहुल गांधी को माफी मांगने का अवसर नहीं पड़ेगा, राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, इसलिए तो सजा होगी ना। ये सब प्रकार के झंडा उठाइए और जेल से बाहर रहेंगे, ये गारंटी भाजपा की है। ये क्लीन चिट तो आप खुद ब खुद देने ना राकेश त्रिपाठी जी, यही तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपने नेताओं को क्लीन चिट दे देते हैं और इनके नेताओं के यहाँ रोज ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं। कोई क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने तुरंत एफआईआर दर्ज कराने का काम किया था, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और सच ये है कि इस प्रकार के वीडियो चुनाव में जारी करने का काम और इसीलिए जनता की अदालत में फैसला सुना दिया है। 24,000 वोटों से नरेंद्र सिंह तोमर जीत के आए, इनके डर्टी ट्रिक्स के कारण। ये डर्टी ट्रिक्स अपनी बंद करनी चाहिए। दिमनी की सीट हम लगातार हार रहे थे और सीट पे 24,000 से जीत के आए। डर्टी ट्रिक्स आप लोग